एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार, दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली, एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार, दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम कर। कोरोना वायरस नेगेटिव या पॉजिटिव पेशेंट के लिए एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान का एक खसूसी बयान, देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इम्तियाज अली की एक रिपोर्ट। आज सुबह से जो है मुसलसल वीडियोस मंदरयाम पर आ रहे हैं कि ये जो जितने तबलीगी जमात के लोग या जो लोग दिल्ली को सफ़र करे हुए हैं, इनके वीडियोस आ रहे हैं कि इनके साथ जो है उस्मानिया गांधी हॉस्पिटल में या जहां पर भी इनको रखा गया है, इनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही होंगी, लेकिन बात यह है कि जो लोग सफ़र करे हैं, जो लोग तबलीगी जमात का इज्तिमा अटेंड करे हैं, हुकूमत उनको ले जाकर टेस्ट करवा रही है। तो जो नेगेटिव केसेस भी है, ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही है तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन रखना, बोल के नेगेटिव केसेस को भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रख रहे हैं वो लोग। आपको 14 दिन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये वायरस जो है एक दिन से लेकर 14 दिन के दरमियान में डेवलप होता है। आप फिजिकली फिट है, कई लोग ये बता रहे हैं कि हम फिजिकली फिट है, हमको नाजायज बंद करके रखा गया है, हमारे को ज़बरदस्ती ला रहे हैं। तो खुदारा ये बात सोचिए कि हुकूमत या डॉक्टर्स आपके दुश्मन नहीं है। जो आपके साथ टेस्ट किया जा रहा है वो कम से कम 10 से 15,000 रुपये का एक टेस्ट है। तो अगर गवर्नमेंट वो टेस्ट आपके साथ करवा रही है तो एक मानों में आपके ऊपर एहसान कर रही है। कोई नीयत ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती ले जाकर बंद करना, एक इत्तेफाकी हादसा है ये कि कुछ लोग वहाँ पर गए, ये तबलीगी जमात का इज्तिमा अटेंड किए और कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। हो सकता है कि चंद मीडिया जो है इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो गोदी मीडिया है, और चंद लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं, यानी किसी के घर पे एम्बुलेंस आकर उनको अगर लेके गई है, ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी, तो उनके साथ एक मजाक बन जा रहा है कि उनको कोरोना वायरस। और खुदारा अगर किसी को कोरोना सस्पेक्ट या कोरोना वायरस है तो ये इलाज बीमारी है, ये कोई शर्मिंदा होने की बीमारी नहीं है, ये कोई एड्स या कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ब्लड कैंसर के वैसी या कैंसर के वैसी। तो आप लोग मत डरिए, ऐसे वीडियोस बनाकर अवाम में वायरल करना इसको छोड़िए, क्योंकि ये जो नादानी तौर पर वीडियोस बना रहे हैं, पहले ही अवाम डरी हुई है, ये वीडियोस की तरफ से जो है अवाम में और ज़्यादा एक हैबत तारी हो रही है। और आप लोगों के ये जो वीडियोस बना के भेजने की तरफ से जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो क्वारंटाइन में है, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये वीडियोस बनाना बंद करिए। ये वीडियोस बनाकर आप लोग जो भेज रहे हैं अवाम में, जो फैल रहा है ये वीडियोस, इससे एक हैबतदारी हो रही है अवाम में। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि आपके ये नादानी जो वीडियोस बना रहे हैं, कई वीडियोस बन रहे हैं, ख़ासतौर पर जो लोग तबलीगी जमात के लोग जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर क्वारंटाइन में हैं, हमको दवा नहीं दे रहे हैं, हमको नहीं पूछ रहे हैं, हमको नहीं देख रहे हैं। भाई आप सेहतमंद है, आपको क्या दवा की ज़रूरत है बताइए। आप टेस्ट करने के बाद में वो लोग आपको 7 दिन 9 दिन 11 दिन ऐसा क्वारंटाइन चेक करते, उसके बाद में आपको छोड़ दे रहे हैं। जितने लोगों को लेके गए 14 दिन मुकम्मिल हुए करीमनगर में, उनको छोड़ दिए, फिर उसके बाद में कुछ लोगों को निज़ामबाद में लेके गए, उनको छोड़ दिए, आपको भी छोड़ देते, क्यों इतना हैबत हो रहे हैं बताइए। ये वीडियोज बनाने से कल क्या होगा मालूम, कि कल हुकूमत एक आर्डर निकाल देंगी कि जितने भी सस्पेक्टेड पेशेंट्स या कोरोना वायरस पेशेंट है अपना फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर रख के जाना पड़ेगा। आपकी नादानी की तरफ से आज जो लोग अपने फैमिली से बात कर रहे हैं,
आज जो लोग कुछ अपना मैसेज कुछ कारोबारी लोग बात कर ले रहे हैं अंदर रहने के बावजूद, होम क्वारंटाइन या हॉस्पिटल क्वारंटाइन या किसी क्वारंटाइन रहने की तरफ से, तो कल के दिन वो लोग महरूम हो जाएंगे आपकी नादानी की तरफ से। तो मेरी गुजारिश है कि हुकूमत आपकी कोई दुश्मन नहीं है, आपके ऊपर टेस्ट करवा रही है, आपके सेहत का एतबार कर रही है ताकि आप कहीं बाहर फिरने से ये आपके बीमारी ज़्यादा ना फैले, ये कोशिश हो रही है। तो खुदारा मेरी गुजारिश है कि ना तो आप जितने लोग अंदर है वीडियो मत बनाइए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है SMS करिए अपने लीडर को, अपने MLA को या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको SMS बना के भेजिए कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपके वीडियोस पूरे दुनिया में फिर रहे हैं, इससे ये हो रहा है कि हैदराबाद में या तेलंगाना में सैकड़ों केसेस है ऐसा बताया जा रहा है। तीसरी चीज़ ये हो रही है कि वो वीडियोस को लोग जो है दानिश्ता नादानिश्ता दीवानेपने में भेजते जा रहे हैं। आज सुबह से कम 200 वीडियोस आए मुझे, एक ही शख्स जो बोधन के है उनका एक 50-60 मरतबा वीडियो आ गया। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जितने लोग सस्पेक्टेड जो पेशेंट्स हैं ये वीडियोस बनाना बंद करिए, हुकूमत आपकी दुश्मन नहीं है, हुकूमत आपके अच्छे के लिए कर रही है। शुक्रिया। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।